Hey guys, we are doing this outdoor video after a very long time. Today we are out to review Nike Downshifter 12, a daily running shoe by Nike. There are a lot of pros and cons about this shoe, so we are going to talk about it in detail, but after this quick intro. Let's go. Now before reviewing the shoe, I need to tell you a few features for which I don't really need to run in them. This running shoe MRP is 4000, but I got it only for 2796, that's almost 2800 rupees from Myntra after some cool discounts. Moreover, this shoe weighs 274 grams and this one is 8 UK, so weight wise it is average. What I've read on the internet that it is very soft on the midfoot area. Midfoot ka matlab ye area hota hai, toh yahan kafi soft hai aur outsole grip bahut tagdi hai. Slip नहीं होने देगा और ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी मिलेगी. पर सच में ये बातें कितनी सच हैं? Let's do a run and find out. देखो प्राइस वाइज अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा शूज़ है, बिकॉज अगर इससे कम में नाइकी का शू देख रहे हो तो नाइकी रेवोल्यूशन 5 आता है, जो कि काफ़ी घटिया शूज़ है मेरे हिसाब से. ये शूज़ के बारे में एक चीज़ अच्छी लगी कि फर्म है, स्लिप नहीं होने देता, स्टेबिलिटी मेंटेन रखता है, और सबसे बढ़िया बात है कि रनिंग शू के साथ साथ स्नीकर्स का भी काम कर देगा, बिकॉज लुक वाइज भी काफ़ी इंप्रेसिव है. मिडसोल एरिया सच में काफ़ी सॉफ्ट है, फोरफुट, मिडफुट और हील में कोई स्ट्रेस नहीं फील हुआ. इट वॉज वेरी कॉम्फी एंड विद इन द शू मूवमेंट इज नॉट टू रिस्ट्रिक्टेड. अगर आपका टो बॉक्स मतलब ये एरिया थोड़ा वाइड है तो गो फॉर एक्स्ट्रा वाइड वर्जन इन दिस शू. लेसिंग सिस्टम की अगर बात करें तो कभी कभी बीच में खुल जाता है, बिकॉज अगर आप 5 किलोमीटर भागने वाले हो तो लेस बीच बीच में खुलने की वजह से आपको प्रॉब्लम दे सकता है, तो ऐसे में आपको डबल नॉटिंग करना बहुत ज़रूरी है. इफेक्टिव रहेगा, काम बन जाएगा. ओवर प्रोनेशन, अंडर प्रोनेशन अगर किसी को है तो ये शूज़ के लिए मत जाओ, बिकॉज ये एक न्यूट्रल प्रोनेटेड शू है. मैंने अंडर प्रोनेशन, ओवर प्रोनेशन और न्यूट्रल प्रोनेशन के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाया, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो, बट दिस शू इज़ ओनली फॉर न्यूट्रल प्रोनेटर्स. अब रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में बात करते हैं. तो रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या होता है कि जब आप भाग रहे होते हैं तो आपके फीट के एनर्जी रिटर्न को कैसे यूटिलाइज करके शू आपको और ज़्यादा आगे फेंकता है या आपको और ज़्यादा स्ट्राइड प्रोवाइड करता है, और ये शूज़ में एक डिसेंट लेवल का रिस्पॉन्सिवनेस है. बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, कॉम्पिटिटिव लेवल का स्ट्राइड नहीं मिलेगा, बट येस, एक इस एंट्री लेवल के बजट में इस जूते का काफ़ी डिसेंट रिस्पॉन्सिवनेस आपको मिल जाएगा. बाकी आई वुड रेकमेंड दिस फॉर ओनली 5 किलोमीटर्स ऑफ रन, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंस और कॉम्पिटिटिव रन्स के लिए ये जूता सर्वाइव नहीं कर पाएगा, सो इस बात का ध्यान रखिए. Shoes 4 out of 5 because of their impressive price and also because they seamlessly switch between being a running shoe and also a very good looking sneaker. I hope you enjoyed watching this video, and if you're planning to buy these shoes, this video will surely help you take a balanced decision. If you're interested in following me on Instagram and asking any query related to running shoes or sneakers, you can drop me a DM. Here is my Instagram ID, and also don't miss out on subscribing to our channel. We have crossed 10,000 subscribers and we are heading to grow this community even more, so your support will always be very helpful. Till my next video, you guys stay fit and keep watching Smart Kicks.